खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स में इवेंट्स की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बीते दिन मेंस और विमेंस के रैंकिंग राउंड्स खेले गए, जो कि क्वालिफिकेशन के लिए थे। आगे किस तरीके से वहां पर मुकाबले होंगे उसकी क्वालिफिकेशन के राउंड खेले गए, जिसमें मेंस और विमेंस टीम ने दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। इंडिविजुअल्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन किया धीरज बोम्मदेवरा ने, जिन्होंने चौथे नंबर की रैंक हासिल की। इसके बाद फिर अगर देखा जाए तरनदीप रॉय, जिन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, और इसके अलावा पीआर जाधव ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन तीनों के कंबाइंड प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया ने तीसरे नंबर पर मेंस टीम में अपना जगह हासिल की है। वहीं विमेंस की अगर बात की जाए तो विमेंस में अंकिता भगत ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा दीपिका कुमारी और भजन कौर, इन्होंने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। वहीं अगर विमेंस टीम की बात की जाए तो चौथे नंबर पर विमेंस टीम ने फिनिश किया है और छठे पायदान पर मिक्स्ड टीम ने फिनिश किया है। तो अब इंडिविजुअल राउंड मेंस और विमेंस और मिक्स्ड टीम, और इसके अलावा अगर देखा जाए मेंस टीम और विमेंस टीम, अब आगे इनके मुकाबले खेले जाने हैं। लेकिन उससे पहले जिन प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे पहले अगर देखें तो उनकी बाइट्स सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम जो परफॉर्मेंस आज किए, जो प्लान हम लोग पिछले दो साल से दिमाग में रख के चल रहा है कि गेम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है, हम लोग सही रास्ते पे है। एंड जैसे आज शुरुआत का रैंकिंग राउंड में थोड़ा बहुत हवा था, ट्रिकी कंडीशंस थे, पर बाद में हम लोग टीम में आपस में बातें किए, इन्फॉर्मेशन शेयर किए, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड बहुत अच्छा हुआ तीनों का। एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। चूंकि हुआ यह है कि अब जब से आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उस हिसाब से टीम इवेंट में आप डायरेक्ट क्वार्टर्स खेलेंगे, तो क्वार्टर्स सेमीज एंड देन फाइनल, फिर आप मेडल के लिए शॉट कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कितने खुश हैं कि आप बहुत करीब हैं? जी वो खुशी तो है, पर उसको आने नहीं दे रहे हम लोग। हम लोग सिर्फ उसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को किस चीज पे काम करना है, एंड उस दिन पे उस पोडियम पे जो चीजें हमको करना है वही हमको मेडल लाएगा, चाहे हम लोग पहले मैच से खेले या डायरेक्ट। मैं अपना ये सीजन का बेस्ट स्कोर मारी हूँ, तो मैं सेटिस्फाई तो नहीं बोलूंगी, पर अच्छा मारी हूँ मैं, और भी मार सकते थे, तो धीरे धीरे होगा। बिल्कुल, ओवरऑल आप जैसे आप देख रही हैं, जैसे आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक दिया, तो यहाँ से आपको ये लगता है कि आपका, लेकिन आपने ये बेस्ट दिया, लेकिन आपका बेस्ट अभी भी आना बाकी है? यस हाँ, मेरा बेस्ट अभी भी आना बाकी है। मैं अपने तरफ से ये बेस्ट नहीं था, मैं और भी मार सकती थी। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि जो बेस्ट मारना है, कहते हैं बेस्ट टाइम पे मारना चाहिए, तो ये क्या इससे बेहतर टाइम होगा जब टीम इवेंट में आप खेलेंगी, मिक्स इवेंट पे खेलेंगी, इंडिविजुअल खेलेंगी, तो ये आपका बेस्ट टाइम है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना? हाँ, यही बेस्ट टाइम है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, मैं और भी अच्छा करूँ टीम में, मिक्स टीम में या इंडिविजुअल में। कोशिश करेंगे जैसे आज रहा, इससे और ज्यादा अच्छा आगे करें, क्योंकि अभी बहुत कॉम्पिटिशन बचा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आपके परफॉर्मेंस से आप लोग सीधा टॉप लेवल पहुंच गए, क्वार्टर्स पे सीधा पुस्तक देते हैं, तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो आपको लगता है कि यहाँ से अब बहुत रियलिस्टिक चांस है एक मेडल का? हाँ, वो तो सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, तो वही सोच के चलाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड कप होता पेरिस में 2023 में, उसमें भी इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, मिक्स्ड में खासकर ब्रॉन्ज आया था, तो उस हिसाब से उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि इस जगह पे खेला हुआ है, इस जगह का आइडिया है? हाँ जी, ये भी चीज बहुत मैटर करती है। अच्छा, हमेशा में ये कहते हैं कि आर्चरी एक ऐसा खेल है जो कि विंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ के कंडीशंस, यहाँ के वातावरण, विंड, इन सब पे यूज्ड टू हुए हैं आप निशाना लगा लगा के? हो गए हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले आ गए थे ना पेरिस में, तो वेदर से और रात यहाँ लेट होती है, तो सब चीजें सही हो गई हैं। तो अब आगे आगे ऐसे क्या अंदर चल रहा है, नर्व्स या एक्साइटमेंट? सब कुछ चल रहा है, सब चीजें चल रही है, सब चीजें चल रही है कि मतलब थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, मतलब कि हाँ करना भी है, ये भी है, सब चीजें।